लीना, अभी अभी मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे देख रहा हूँ, मुझे तीन चार कुछ टॉन्टिंग वाले ट्वीट्स आए हुए हैं शान मसूद के हवाले से। शान मसूद से रन नहीं हो रहा है, गलती लग रहा है हमसे हो गई है, बिकॉज ज़ाहिर है आई थिंक हम लोग अपने शो में काफ़ी ज़्यादा शान को हमने बैक किया था टीम में लाने के लिए। आपके पास तो ऐसे ट्वीट नहीं आ रहे, यू मस्ट ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड विद द वे शान हैज़ बैटेड। आज फिर सिर्फ 10 रन बनाने के बाद आउट हो गए। Like, yeah, I'm a big fan of his. I mean, the way he worked on his game, the way he played in England, just unko kaptan banaya gaya, jis tarah ki performances aayi, jis tarah unhone apne aap ko evolve kiya on in T20, us tarah mujhe bada umeed thi. Aur dekhiye, hum koi Nostradamus ko hote nahi hai, na main aap koi bhi commentators ya analysts koi nahi hote. हम सिर्फ देखते हैं कि यार ये लड़का, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसकी उसको कप्तान बना दिया, इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, रन कर रहा है, हर फॉर्मेट में रन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो आए। अब आगे जाके क्या होता है, मतलब क्या रफ से उसको एक बॉल ऐसी पड़ गई जो उसको बजाय उसको फ्रंट फुट पे खेलनी चाहिए थी, शायद वो बैक फुट पे चला गया। आप देखें कि इमाम जो है उसने रिस्क लेके वो सारे रन जो जितने भी अभी तक किए हैं इस इनिंग्स में, वो सारा नीचे आके खेल रहा है, अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंडर के आगे रफ क्रिएट हुआ है ना, बहुत खतरनाक है। उसमें वो बेचारा रिस्क भी ले रहा है कि कोई बॉल उससे मिस होगी तो फिर पीछे स्टंपिंग हो जाएगी या बोल्ड हो जाएगा, लेकिन ही हैज नो अदर ऑप्शन बिकॉज वो रफ अब चौथे दिन क्रिएट हुआ है। तो शान को पीछे नहीं खेलनी चाहिए थी बॉल, मैं इतना ही कह कहूंगी। एंड मैं कहूंगी कि अगर आप चांस दे रहे हैं तो एक दो टेस्ट और भी देखें, दें, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर। बल्कि मैं तो कह रही थी अगर कप्तानी भी इंटरिम चेंज करें तो उसको दी जा सकती है, क्योंकि वो यॉर्कशायर का भी कप्तान है, उन्होंने कुछ देख के उसको कप्तान लगाया होगा। सो दिस इज माई व्यू अबाउट हिम। हाँ, वो तो देखें परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही उनकी, हमने प्रोसेस पूरा देखा है, बट टॉकिंग अबाउट दी इंटायर टेस्ट राइट नाउ, जो मैंने शुरुआत में जिस तरह आपसे बात की थी, हम पिचेस की जो बात कर रहे हैं, हमने अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीज़न ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ज़ाया कर दिया। ये वो सीज़न था जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया हमारे घर आई, इंग्लैंड हमारे घर आई, न्यूजीलैंड अभी हमारे घर पे है, एंड वी हैव वेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते थे। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अभी नई जो मैनेजमेंट आई है, उनका ये मानना है दैट दे नीड टू स्टार्ट एन इंक्वायरी ऑन दैट, कि पिचेस पे इतना शोर मचा पिछले टेन्योर में, ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया से पिच वो एक मट्टी आ रही थी कुछ जो कि अभी तक शायद वो पोर्ट पे ही है, वो पहुंची नहीं है, वो किधर है, सो उस पे एक इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये हुआ क्या पिचेस के साथ, बिकॉज यू हैव बीन कवरिंग पाकिस्तान क्रिकेट सिंस वेरी लॉन्ग और पिचेस कभी भी ऐसी नहीं थी, सो यू थिंक कि ये सारा अब ये सारी चीज़ें ये सिलसिले शुरू हो जाएंगे बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये अच्छा है? देखिए, बात यह कि इंक्वायरी जरूर बिठाएं, उसको देखें कि क्या वजह है कि रमीज ने तो बड़ी बात की थी पिचेस की, वो मिट्टी भी आई, सब कुछ हुआ, क्यूरेटर भी आया, क्यों पिच नहीं बन सकी, बल्कि क्यों ऐसा हुआ कि पहले से भी पिच खराब हो गई, जैसे पहले पिचेस थी उससे भी खराब हो गई। अब दूसरी एक बात यह कि कई लोग ये बात करते हैं और मैं एग्री करती हूँ, मैं खुद इस रीजन की हूँ, तो बहुत लोग बात करते हैं कि यार पिच बनाना क्या मुश्किल है, आए डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की पिच देखें, देखें उस पर कैसा सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, बैट्समैन को मुश्किलात होती हैं, जो बैट्समैन कैलिबर का होता है, मेहनत करता है, वो रन भी बनाता है, बैट बॉलर को भी सीम स्विंग मिलती है, तो वैसी पिच क्यों नहीं हम बना सकते? मसला ये लीना जी, उन कंडीशंस में ये रैंक टर्नर मांग रहे हैं, उन कंडीशन में आप रैंक टर्नर बना ही नहीं सकते तो आपको फ्लैट ही मिलेगा, फिर फ्लैट डेक हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ना, हमारे यहाँ सिर्फ एक किस्म की पिच बन सकती है सवेरा या नदील, मैं आपको बताती हूँ। आप हमारे यहाँ ये करें कि भाई आप पानी लगाते रहें पिच को, आप उसको मॉइस्ट रखें, ठीक है ना जी, और आप उस पे जब आप उसको मॉइस्ट रहेंगे रखेंगे तो वो हार्ड नहीं होगी, और एक इवन लेयर ऑफ ग्रास, इवन कोटिंग ऑफ ग्रास जो है ना उस पे छोड़ें, और जब वो इस तरह की होगी तो वो पहले एक डेढ़ दिन, देखिए परफेक्ट पिच क्या होती है, पहले एक डेढ़, अगर ये सब करेंगे तो पहले एक डेढ़ दिन आपको मदद देगी फास्ट बॉलर को वो पिच, डेढ़ दिन के बाद से तीसरे दिन तक वो बैट्समैन को मदद देगी, और थोड़ी सी क्योंकि मॉइस्ट होगी तो आखिरी दो दिन में वेयर एंड टेयर से स्पिनर को भी मदद देगी, तो दैट इज अ परफेक्ट पिच, भी क्या मुश्किल है उसमें? सही बार आल, ये काश वी आर एबल टू डिसाइफर के ये वाकई मुश्किल है क्या।